नमस्कार, मैं उषिका श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। पूजा सिंगल से रिलेटेड एक खबर। जी हाँ, एक पैनी नज़र हमारे इस खबर पर है और जीएन भारत आपको लगातार पहले दिन से सारे खबरें देते आ रहा है और फिर से आज हम मौजूद है आपके सामने अपडेट को लेकर। आपको बता दें, हो सकता है पूजा सिंघल जमानत पर रिहाई भी हो जाए। सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल कर सामने आ रही है, इनके पति अभिषेक झा और इनके जो वकील है सुधांशु, ये दोनों मिलने गए थे कल होटवार जेल में। पूजा सिंघल से मुलाकात भी करने दिया गया, आधे घंटे तक बातचीत भी हुई और कई सारे दस्तावेज में हस्ताक्षर भी लिए गए पूजा सिंघल के, उन्होंने साइन भी किए। तो ऐसा हाथ पैर दोनों जो है उनके वकील और जो अभिषेक झा है पूरा मार रहे हैं कैसे भी करके मैडम बाहर आ जाए, क्योंकि मैडम को अंदर बहुत तकलीफ हो रही है। आपको बता दें, अपर डिवीजन सेल में है और पूजा सिंघल की खातिरदारी के लिए आपको बता रहे तीन तीन महिला कर्मचारी स्पेशली पूजा सिंघल का दिन रात केयर कर रही है। इसके साथ ही मैडम को खाने के नूडल्स, चाउमीन, च्यवनप्राश, ब्रेड, ऐसी इस तरह के एडवांस चीज़ें जो जनरली आम लोगों को नहीं मिलती, वो मैडम जेल के अंदर खा रही है। इसके साथ ही अधिकतर वो समय कमरे में गुजार रही है, लेकिन अभी भी एक आईएस वाला जो गर्मी है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनकी तीन तीन महिला जो केयर कर रही है उन पर वो बार बार विफर पड़ रही है, उनको उन पर गुस्सा रही है, उन पर चिल्ला रही है। मतलब जो उनको ईडी का, हमें लगता है जो ईडी का जो गुस्सा है वो जो है महिला कर्मचारी बेचारियों को झेलना पड़ रहा है। अब किया भी क्या जा सके, अब आईएस पिछले 20-30 साल से आईएस है तो एक दिन में तो उतरने वाला है नहीं, वो रुतबा तो रहेगा ही। लेकिन अब जो नई खबर सामने आ रही है कि जमानत मिल सकती है, आपको बता दें अभिषेक झा वहाँ मिले हैं और इसके साथ ही पंकज मिश्रा भी अभी रडार पर है। सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द जीएन भारत में खबर आ रही है कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि बहुत जल्द पंकज मिश्रा भी आ सकते हैं ईडी। जी हाँ, दो दिन के अंदर उनको समन भेजा जा सकता है। समन, आई एम वेट, आई एम पब्लिक फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इस तरह की इंग्लिश झाड़ने वाले पंकज मिश्रा भी, जो कि सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि है, वो भी बहुत जल्द ईडी के रडार में तो आ चुके हैं, केस हो चुका है, अब वो आ सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ ही हमने जैसा आपको बताया था कि जमशेदपुर के जो डीएमओ है संजय, उन्होंने बहुत टाल मटोल किया था और चुनौती भी दे डाली थी, अब सुनने वाला शाम तक वो यहाँ पे पहुँच सकते हैं पूछताछ के लिए। जब उनका फोन जब्त होगा, क्या खुलासा होगा क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पूजा सिंघल मामले में जो हम आपको अभी सबसे बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि मैडम बहुत आराम से मजे कर रही है वहाँ पे, लेकिन अब उनको बाहर निकालने की पूरी तैयारी है और निचली अदालत में बहुत जल्द इसकी सुनवाई भी हो सकती है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि पूजा सिंघल को जमानत मिलता है या नहीं। आपको बता दें, 8 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई थी और अगला जो है वो 22 तारीख को होगा। 22 तारीख का सुनवाई जो है ईडी के जो जज है प्रभात कुमार, वो करेंगे। और इसमें बहुत ज़रूरी, 22 तारीख का बहुत ज़रूरी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है जमानत हो सकती है। क्या कुछ होगा पूजा सिंघल के अपडेट में, आप बने रहे जीएन भारत के साथ। पल पल का अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ जीएन भारत में एक्सक्लूसिव भी मिलेगा। साथ ही प्रेमसर मोटर में जो आईडी रेड है, इसके रिलेटेड भी अगला खबर हमारा है, जिसके लिए आपको जीएन भारत में बने रहना है। देखते रहिए, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।